चैप्टर टू हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोसी मीन्स आर नेबर, आर नेबर। फर्स्ट रोमन लेटर पर्यायवाची शब्द, दैट मीन्स सिनोनिम्स। घर, ग्रह, सदन, दैट मीन्स हाउस। घर मीन्स हाउस। सेकेंड वन बगीचा, उद्यान, वाटिका। बगीचा मीन्स गार्डन। हाथ, हस्त, कर। हाथ मीन्स हैंड। फोर्थ वन माँ, जननी, माता, मदर। नाउ सेकेंड रोम लेटर विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट्स। फर्स्ट वन निर्णय, निर्णय मीन्स डिसीशन। अनिर्णय मीन्स इनडिसीशन। सेकेंड वन अविश्वास, अनबिलीव, विश्वास, बिलीव। थर्ड वन सहमति, सहमति मीन्स मीन्स अग्रीमेंट। असहमति मीन्स डिसअग्रीमेंट। फोर्थ वन पीड़ादायक, पीड़ादायक मीन्स सोर, एस ओ आर ई, सोर। सुखदायक, सुखदायक मीन्स प्लीजिंग। फिफ्थ वन बहादुर, बहादुरी, सॉरी बहादुरी, बहादुरी मीन्स ब्रेवरी। कायरता, कायरता मीन्स कोवर्ड। सिक्स्थ वन सज्जन, जेंटलमैन। दुर्जन, दुर्जन मीन्स ईविल। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू थर्ड रोमन लेटर समानार्थी शब्द। फर्स्ट वन इज रपटते, आंसर इज फिसलते, दैट मीन्स स्लिपिंग, एस एल आई पी पी आई एन जी, स्लिपिंग। सेकेंड वन उछल, कूद, जंप। थर्ड वन भागते, दौड़ते, रन। फोर्थ वन पास पड़ोस, that means near neighbor. Fourth one, fifth one rokna, tokna, that means to stop somebody or else annoying somebody. Sixth one hasi, khushi, happy, happiness also we can say. Okay, now we'll move to roman letter 4, that is prashnottar, question answers. Question number 1 लेखिका हाथ जोड़कर भगवान को क्यों याद करने लगती है। लेखिका मीन्स राइटर, हाथ जोड़कर मीन्स जॉइनिंग दी हैंड्स, भगवान मीन्स गॉड, क्यों मीन्स वाई, याद मीन्स रिमेम्बर और रिकॉल, करने लगती है मीन्स शी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग गॉड। आंसर लेखिका हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती है। द राइटर जॉइंस हर हैंड एंड स्टार्टेड टू प्रे टू गॉड। क्योंकि, क्योंकि मीन्स बिकॉज, रवि ने कहा कि उनके बगल वाले घर में एक भूत है और उसे भूत की आवाज़ सुनाई दी। वाई बिकॉज रवि ने कहा, एस रवि सेड, कि उनके बगल वाले घर, बगल वाले घर मीन्स हिज नेबर। रवि सेड दैट हिज नेबरिंग हाउस, नेबर में एक भूत है, देर इज अ गोस्ट इन दिस हाउस, इन हिज नेबरहुड, और उसे भूत की आवाज़ सुनाई दी। एंड ही हर्ड द साउंड ऑफ द गोस्ट। सुनाई दी मीन्स हर्ड, एच ई ए आर डी। आवाज़ मीन्स साउंड और नॉइस, भूत मीन्स गोस्ट। सो ही हर्ड द साउंड ऑफ द गोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 किसे देखकर
लेखिका स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने क्या किया, किसे देखकर, मीन्स व्हाट शी सॉ, लेखिका स्तब्ध रह गई। आफ्टर सीइंग समथिंग शी वॉज स्टन्ड, स्तब्ध मीन्स स्टन। फिर उन्होंने क्या किया, देन व्हाट शी डिड। नाउ आंसर, लेखिका अपने गणित के अध्यापक शंकर साहब को अपने पड़ोस के मकान में रहते देखकर स्तब्ध रह गई। सो लेखिका द राइटर सॉ हर गणित के अध्यापक, दैट मीन्स मैथ्स टीचर, गणित मीन्स मैथ्स, अध्यापक मीन्स टीचर। सो शी सॉ हर मैथ्स टीचर शंकर साहब, शंकर सर, को अपने पड़ोस, हिज नेबर, सो ही इज हिज हर नेबर, सो शी सॉ हिम के मकान, मकान मीन्स बिल्डिंग, में रहते देखकर, मीन्स शी सॉ दैट दैट ही इज स्टेइंग नेक्स्ट टू हिज, नेक्स्ट टू हर हाउस, ही इज नेबर ऑफ द राइटर। सो सीइंग दैट शी वॉज स्टन्ड, स्तब्ध रह गई, सो शी वॉज स्टन्ड आफ्टर सीइंग हिम। फिर उन्होंने यह बात अपने माता पिता और दोस्तों को बताई। देन शी सेड दिस थिंग्स टू हर पेरेंट्स, माता पिता मीन्स मदर फादर, और दोस्तों, दोस्तों मीन्स फ्रेंड्स को बताई, बताई मीन्स सेड। देन शी सेड दिस थिंग्स टू हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स दैट मैक्स टीचर इज स्टेइंग नेक्स्ट टू माई हाउस, ही इज माई नेबर, लाइक दैट शी सेड। थर्ड क्वेश्चन, शंकर साहब कौन थे, सो हु वॉज शंकर सर। आंसर, शंकर साहब लेखिका और रवि के गणित के अध्यापक थे। सो शंकर सर वॉज द राइटर्स एंड रवीज मैथ्स टीचर, गणित मीन्स मैथ्स, अध्यापक मीन्स टीचर, सो ही वॉज अ मैथ्स टीचर फॉर राइटर एंड रवि। क्वेश्चन नंबर 4, रवि के आदर्श कौन और वे क्या कहते थे। सो हु वॉज रवीज रोल मॉडल, आदर्श मीन्स रोल मॉडल और आइडियल, कौन मीन्स हु, और एंड वे क्या कहते थे, वॉट ही यूज टू से, कहते मीन्स से। आंसर, रवि के आदर्श व्यायाम शिक्षक राय साहब थे। सो रवीज रोल मॉडल और आइडल वॉज हु, व्यायाम शिक्षक, दैट इज द फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, दैट इज पीटी टीचर, राय साहब, राय सर। वे कहते थे, ही यूज टू से, कि खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दैट मीन्स खेलना, प्लेइंग, स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इज गुड, सो यूज टू से दैट प्लेइंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 5, शंकर साहब को कुत्ते के साथ खेलते और हंसते हुए देखकर बच्चों को आश्चर्य क्यों हुआ। शंकर सर को कुत्ते के साथ, सो शंकर सर इज प्लेइंग विथ द डॉग, खेलते मीन्स प्लेइंग, हंसते मीन्स लाफिंग, सो ही वॉज प्लेइंग एंड एंजॉइंग विथ द डॉग, हुए देखकर, देखकर मीन्स सीइंग दैट, बच्चों, बच्चों मीन्स चिल्ड्रन, सो द चिल्ड्रन सॉ दैट दैट शंकर सर इज प्लेइंग विथ द डॉग, को आश्चर्य क्यों हुआ, आश्चर्य मीन्स दे वर वॉन्डर्ड, सो दे वर वॉचिंग हिम, हाउ ही इज लाइक दिस, दे आर वॉचिंग विद द ईगरनेस एंड दे वर वॉन्डर्ड दैट ही इज प्लेइंग विद द डॉग विथ हिज स्माइलिंग फेस। आंसर, शंकर साहब को कुत्ते के साथ खेलते और हंसते हुए देखकर बच्चों को आश्चर्य हुआ, सो शंकर सर वॉज प्लेइंग विद द डॉग एंड सीइंग दैट द चिल्ड्रन वॉज वेरी वॉन्डर्ड, वाई, क्योंकि, बिकॉज, उन्होंने, उन्हें हमेशा गंभीर, उन्होंने मीन्स ही, हमेशा मीन्स ऑलवेज, सो ही इज ऑलवेज
गंभीर, गंभीर मीन्स वेरी सीरियस. एवं एंड क्रोधित मुद्रा, क्रोधित मुद्रा मीन्स एंग्री पोस्चर. सो ही यूज्ड टू बी वेरी सीरियस एंड यूज्ड टू बी वेरी एंग्री. में ही देखा है, सो दे सॉ शंकर सर लाइक दैट ओनली. ही इज वेरी सीरियस एंड इज वेरी एंग्री, ऑलवेज इज वेरी एंग्री. सो दे सॉ हिम इन दैट पोजिशन अलोन. सो नाउ दे आर सीइंग हिम दैट ही इज प्लेइंग विद अ डॉग. सो दे वर वेरी वंडर्ड. क्वेश्चन नंबर 6. उनके कुत्ते का नाम क्या था? उन्होंने ऐसा अद्भुत नाम क्यों रखा था? उनके कुत्ते का नाम, सो व्हाट वाज हिज डॉग्स नेम. उन्होंने ऐसा अद्भुत नाम क्यों रखा था? व्हाई हैड केप्ट अ डिफरेंट नेम और वंडरफुल नेम टू द डॉग. आंसर, शंकर साहब ने कुत्ते का नाम ट्रिको था. उन्होंने ऐसा अद्भुत नाम ट्रिगोनमिति की तर्ज पर रखा था. सो द नेम ऑफ द डॉग वॉज ट्रिको. सो वाई ही हैड केप्ट हिज नेम लाइक दैट, बिकॉज ही लव दैट पैटर्न ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो बेस्ड ऑन द ट्रिग्नो ही केप्ट हिज डॉग्स नेम एज ट्रिको. तर्ज मीन्स पैटर्न, अद्भुत मीन्स वंडरफुल और डिफरेंट नेम. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी मीन्स दिस स्टोरी, आपको मीन्स टू यू, क्या मीन्स व्हाट, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन, मिलती है मीन्स यू गेट. सो व्हाट इंस्पिरेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है. सो द इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज, हमें अपने अध्यापकों से नहीं डरना चाहिए. अध्यापकों मीन्स टीचर्स, डरना मीन्स फियर और अफ्रेड. सो वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ अवर टीचर्स. उनको आदर देना चाहिए. सो वी शुड रेस्पेक्ट देम. आदर मीन्स रेस्पेक्ट. अध्यापक बच्चों की भलाई के लिए ही कठोरता दिखाते हैं. सो द टीचर्स आर समटाइम्स क्रूवल और अनकाइंड टू द चिल्ड्रन. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गुडनेस ऑफ द चिल्ड्रन. भलाई मीन्स गुडनेस. सो फॉर द गुडनेस ऑफ द चिल्ड्रन अलोन दे आर cruel or unkind to the children or the students. Hope you understood. Thank you.